साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास कायम किया है। कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध लड़ते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन्स हमारे देश के अंदर लगाई गई हैं। ये एक विश्व कीर्तिमान, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि इतने कम समय के अंदर 100 करोड़ लोगों को एक देश के अंदर एक महामारी से लड़ते हुए उनको वैक्सीनेशन प्रोसेस में वैक्सीन्स लगाई गई। हम सब जानते हैं, जब कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया के अंदर प्रलय मचाई, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान जैसे देश, इटली और फ्रांस जैसे देश धराशायी हो गए। उस वक़्त उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए देशवासियों को समय समय पर गाइडलाइंस बताना, देश का मार्गदर्शन करना, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने देशवासियों को गाइडलाइंस के बारे में समझाया और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो नियम से वो सब समझाए, और साथ ही साथ स्वयं जो इस कोविड के अगेंस्ट इस बीमारी से महामारी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार की जा रही थी उसके लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उसको मॉनिटर किया। कई कई रात लेबोरेटरीज के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी इस पीरियड के अंदर वो रहे। उन्होंने लगातार वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से जो हमारे जो जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिन कंपनीज ने तैयार की उनके वैज्ञानिकों से डायरेक्ट इंटरेक्शन की, और ये रिकॉर्ड तोड़ समय में भारत ने इन दोनों वैक्सीन्स का निर्माण किया। यहाँ देश भर में इस वैक्सीन को लगाया गया, वहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत ने सहयोग किया। कोविड केयर उसको मॉनिटर किया। कई कई रात लेबोरेटरीज के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी इस पीरियड के अंदर वो रहे। उन्होंने लगातार वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से जो हमारे जो जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिन कंपनीज ने तैयार की उनके वैज्ञानिकों से डायरेक्ट इंटरेक्शन की, और ये रिकॉर्ड तोड़ समय में भारत ने इन दोनों वैक्सीन्स का निर्माण किया। यहाँ देश भर में इस वैक्सीन को लगाया गया, वहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत ने सहयोग किया। कोविड केयर हॉस्पिटल्स पूरे देश के अंदर बनाए गए। DRDO जैसी संस्थाओं को कोरोना से लड़ने के लिए कोविड केयर हॉस्पिटल्स बनाए गए। विशेष व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की। जब ऑक्सीजन की बात आई तो किस प्रकार ऑक्सीजन की शॉर्टेज को भी युद्ध स्तर पर मैनेज किया गया, उसको व्यवस्थित किया गया। आज जब 100 करोड़ लोगों को भारत में ये वैक्सीन लग चुकी है तो पूरी दुनिया आज भारत की जय जयकार कर रही है। पूरी दुनिया में आज भारत का नाम बहुत शान से और सम्मान से लिया जा रहा है। इसका सारा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को जाता है, और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारी नर्सिस माताएं बहनें हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए
जिन सहयोगी साथियों ने इस कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ, इस पैंडेमिक के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, मैं उन सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज 100 करोड़ का आंकड़ा जब वैक्सीन्स का भारत ने टच किया है, मैं कोरोना वॉरियर्स, अपने हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, मैं इन सबका हृदय से भी धन्यवाद करता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं उन सामाजिक संस्थाओं का, उन सामाजिक सोशल वर्कर्स का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने घर से, धन्यवाद करता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं उन सामाजिक संस्थाओं का, उन सामाजिक सोशल वर्कर्स का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने घर से राशन घर से निकालकर जरूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। उन संस्थाओं का, उन लोगों का, उन सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त के अंदर जगह जगह के अंदर लंगर की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, जिन्होंने गाड़ियों की व्यवस्था की। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी जनमानस के प्रतिनिधियों का, वो चाहे हमारे चुने हुए XMLAs रहे, DDCs हों, BDCs हों, पंच हों, सरपंच हों, सांसद हों, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हों, ट्रेडर्स हों, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, हमारे बार एसोसिएशंस के मेंबर हों, एडवोकेट्स हों, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने दिल खोलकर इस बड़े अभियान में, जब प्रधानमंत्री केयर की घोषणा की गई पीएम केयर्स फंड की, उसमें बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग करने वाले सभी सज्जन पुरुषों का और मातृशक्ति का भी मैं आज हृदय से धन्यवाद करता हूँ।